साथियों नमस्कार। कई दिनों बाद में फिर से दिन वाली प्रक्रिया चालू हो गई है। कैबिनेट के जब पार्लियामेंट सेशन चलता था तब एक शाम वाला सिस्टम था, वापस अब रेगुलर दिन में 3 बजे वाला एक प्रोसेस चालू हुआ। और बहुत धन्यवाद, आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए और प्रेजेंटेशन वाले फॉर्मेट को आपने, कई लोगों ने फीडबैक दिया था कि बहुत पसंद आया है और समझने में सुविधा रहती है, तो इस फॉर्मेट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे आपसे। ठीक है ना, ये चालू करते हैं। आज आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने बड़े फैसले लेने का और हिस्टोरिक थर्ड टर्म में जो कई बड़े फैसले लिए हैं, एक छोटी सी समरी केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की। अगर देखें कि लास्ट 3 महीने के अंदर अंदर कई बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे एयरपोर्ट्स, ऑफशोर विंड एनर्जी, ग्रीनफील्ड पोर्ट वदावन में, हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और एयरपोर्ट्स के और दूसरे प्रोजेक्ट्स, टोटल करीब करीब 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के फैसले लिए गए हैं। इसी कड़ी में आज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो रोजगार को और जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर उनका मेजर इम्पैक्ट होता है। आप इंफ्रा में भी अगर देखें, अब तक के जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं उसमें कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ये आपके साथ शेयर करेंगे स्लाइड, जिससे कि आप डेटा को यूज़ कर सकें। आज बहुत बड़ा मेजर एक फैसला लिया गया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज। आप सब जानते हैं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि भारत की पूरी फ्यूचर डेवलपमेंट को पॉजिटिवली इंपैक्ट करने वाला है। जो मेजर हमारे ट्रांसपोर्टेशन के बड़े रूट्स हैं, आप जो ये देख रहे हैं लाइंस, ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं जो समय समय पे अप्रूव किए हैं। उनमें अब इंडिविजुअल नोड्स, मतलब कॉरिडोर, अगर हम देखें जैसे मान लीजिए ये कॉरिडोर अगर हम लेते हैं मुंबई से बेंगलुरु वाला कॉरिडोर, इस कॉरिडोर पे अलग अलग नोड्स डेवलप हो रहे हैं। वैसे लेते हैं मान लो लुधियाना से लेके कोलकाता, अमृतसर से लेके कोलकाता वाला कॉरिडोर, इस कॉरिडोर पे अलग अलग नोड्स क्रिएट हो रहे हैं। जैसे अगर हम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेते हैं, उसके ऊपर अलग अलग नए नोड्स। तो कॉरिडोर और नोड्स, राइट, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज बहुत बड़े फैसले हुए हैं। 12 नए इंडस्ट्रियल एरियाज, 12 न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज ऑन द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। ये 12 नए इंडस्ट्रियल एरियाज कंबाइंड, इनमें इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से आएगा 28,602 करोड़ का। और वंस दीज कॉरिडोर्स एंड नोड्स आर डेवलप्ड, उस 1.5 लाख करोड़, 1,52,757 करोड़, और करीब करीब 10 लाख एम्प्लॉयमेंट का इसमें पोटेंशियल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये। इन प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे डिटेलिंग आपके सामने रखी, मैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स का आपके सामने एक एक करके रखूंगा। एक तरीके से आप देखें तो देर इज अ ग्रैंड नेकलेस अराउंड द एंटायर कंट्री। देश के नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सेंटर, हर हिस्से को कवर करते हुए ये प्रोजेक्ट्स हैं। और इसमें प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करने के टाइम में, सेलेक्ट करने के टाइम में इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है कि वहां पे ट्रंक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे फ्रेट कॉरिडोर है, जैसे एक्सप्रेसवेज है, इनके दोनों तरफ का जो एरिया है इनको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और उसमें इंडस्ट्रियल नोड्स डेवलप करने का प्रोजेक्ट है। आपको बताया जैसा करीब 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 30 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इससे क्रिएट होगा। और अब तक के जो शुरुआती दौर में जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे उसमें जो भी लर्निंग्स आई, जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, वो सारा एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट्स में लगाया गया है।
बहुत फोकस होगा प्लग एंड प्ले एंड वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट्स पे, प्लग एंड प्ले एंड वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट्स पे। अगर हम देखें आज दुनिया में सब जगह से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भारत में शिफ्ट हो रही है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, ये सब भारत में शिफ्ट हो रही है। एंड दीज कॉरिडोर्स एंड दीज प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल एरिया प्रोजेक्ट्स, दे विल एक्सेलरेट दैट शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे प्लग इन प्ले, रेडी टू स्टार्ट, वॉक टू वर्क, एब्सोल्युटली अच्छे नए प्रिंसिपल्स, मिनिमाइज्ड क्लियरेंसेज, लैंड एक्विजिशन ऑलरेडी डन, लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइडेड, मल्टीमोडल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें गैस, वाटर, पावर, टेलीकॉम सब चीज प्रोवाइड होगी और बहुत इकोलॉजिकल इम्पैक्ट मिनिमम हो, इस तरह से इनको डिज़ाइन किया गया। दिस इज़ अ वेरी नाइस विजन जिसमें देश में बहुत बड़ा डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में होगा और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ये सारे के सारे फीचर्स हैं, प्लग एंड प्ले, पोर्टेबल एंड रिसाइकल वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है विशेषकर छोटे इंडस्ट्रियल प्लांट्स के कंपनीज के लिए, मल्टीमोडल कनेक्टिविटी, वॉक टू वर्क, गैस पाइपलाइंस, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, सिंगल विंडो क्लियरेंस, लैंड मैनेजमेंट के प्रॉपर डिजिटल फॉर्म्स, एंकर इन्वेस्टर्स के लिए डिस्काउंट्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें ध्यान में रख के इनको बनाया गया है। पहला खुरपिया उत्तराखंड, ये 1000 एकड़ में बन रहा है, 1265 करोड़ रुपए की इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी और करीब 6180 करोड़ का इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट आएगा। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल 75,000 का है। फोकस ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स और इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेशन सेक्टर्स पे इसका रहेगा। सारे डिटेल्स हैं इसमें और ये सारी स्लाइड्स आपके साथ शेयर भी करेंगे जिससे कि आप डेटा का प्रॉपरली उपयोग कर सके। सेकेंड है राजपुरा पटियाला पंजाब में, इसमें भी करीब 1099 एकर्स यानी 1100 एकड़ के आसपास टोटली ये डेवलपमेंट होगा इसमें और 1367 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। टोटल 7500 का इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल और 64,000 इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, फूड्स एंड बेवरेजेस, फैब्रिकेटेड मेटल, फार्मास्यूटिकल्स और मशीनरी एंड इक्विपमेंट पे इस प्रोजेक्ट में फोकस रहेगा। और इसका ये बेसिकली जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो कि कंप्लीट हो चुका है, अब इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर एस्टैब्लिश्ड है ये। आगरा उत्तर प्रदेश, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सिटी, बट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंसर्न्स वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कुड नॉट हैपन, इसीलिए इसमें फोकस करके टोटली न्यू कॉन्सेप्ट हैज बीन क्रिएटेड जहाँ पे क्लीन एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली वे में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, वो इसमें ध्यान रखा गया है। इसमें करीब करीब 70,000 एम्प्लॉयमेंट इसमें जनरेट होगा, 70,000 रोजगार के नए अवसर इस प्रोजेक्ट से उपलब्ध होंगे। इसमें फोकस कन्वेंशनल भी रखेंगे और न्यू जनरेशन के इंडस्ट्रीज पे भी फोकस रहेगा। थर्ड है प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ये भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है। इसमें करीब 17,000 एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल रहेगा और 352 एकर्स में ये डेवलप हो रहा है प्रोजेक्ट। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फूड प्रोसेसिंग, बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग, लेदर आर्टिकल्स और कई तरह की और कन्वेंशनल और मॉडर्न इंडस्ट्रीज को फोकस में रखेंगे। इसके बाद में गया बिहार, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, 1670 एकर और इसमें 16,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आएगा और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा 109,000 का, 110,000-9,000 के आसपास का टोटल एम्प्लॉयमेंट इससे क्रिएट होगा और इसमें कई तरह के सेक्टर्स में काम होगा, एग्रो, फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग मटेरियल्स, लेदर आर्टिकल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, हैंडलूम, इंजीनियरिंग, और उस एरिया में इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन का बहुत स्कोप है क्योंकि स्टील मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग ये सब काफ़ी होते हैं उस तरफ, मेडिकल इक्विपमेंट, फर्नीचर, आप में से कई लोग उस एरिया से आते होंगे पक्का, हाथ खड़ा बधाई हो। दिघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया महाराष्ट्र में, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है, 6,000 एकर्स का, 6,000 एकर्स का
इसमें 38,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा और डेवलप करने के लिए 5,469 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगा। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल 1,14,000 का इसमें एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है। बड़ा प्रोजेक्ट है बहुत। इसमें भी इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, काफ़ी चीज़ें होगी। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर आप देखें इसमें सबसे बड़ी बात ये रहेगी, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन इसमें फोकस रहेगा। तो एक्सपोर्ट पे बहुत फोकस रहेगा। इसमें रोड, रेल और एयरपोर्ट और पोर्ट, चारों के चारों मोड्स की कनेक्टिविटी एक साथ इस प्रोजेक्ट में है। बड़ा प्रोजेक्ट है और अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। 1,14,000 के आसपास एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। यह है जोधपुर पाली मारवार, ये भी बड़ा प्रोजेक्ट है। 1,578 एकर्स का 7,500 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है और 40,000 एम्प्लॉयमेंट का इसमें। और इस एरिया में हैंडीक्राफ्ट्स काफ़ी मात्रा में बनते हैं और एक्सपोर्ट भी होते हैं और बहुत अच्छे हैंडीक्राफ्ट्स बनते हैं। आप लोग भी जब खरीदना चाहें ज़रूर खरीदिएगा। एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, बिल्डिंग मटेरियल, टेक्सटाइल, ये सब चीज़ ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे, जो फ्रेट कॉरिडोर की दो आर्म्स हैं, ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर, ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे स्थित है। ये है कोपरती आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, ये कुरनूल के पास में है और बहुत ही अच्छा इसका पोटेंशियल है। 2,596 एकर्स पे बनेगा और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल अबाउट 8,860 करोड़ का इसका इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल 54,500। इधर काफ़ी मिनरल एक्टिविटीज़ भी है, माइनिंग एक्टिविटीज़ भी हैं। तो मेटेलिक मिनरल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, रिन्यूएबल्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, इन सबको ध्यान में रखते हुए और पूरे रायलसीमा एरिया में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ओरवकल आंध्र प्रदेश, ये भी कुरनूल के पास में है। 2,621 एकर्स, अगेन इट्स अ लार्ज प्रोजेक्ट। यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इज ह्यूज, 45,000 एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और यहाँ पे न्यू इकोनॉमी की एरोस्पेस, डिफेंस, इनको भी इसमें लिया जाएगा इस वाले प्रोजेक्ट में। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इन सब का भी यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। जहीराबाद तेलंगाना, ये भी बड़ा प्रोजेक्ट है, 3,245 एकर्स का। और इसमें इलेक्ट्रिकल, ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल, शायद उसमें विल चेक द नंबर्स ऑफ देयर, विल चेक इट। नेक्स्ट इज पलक्काड, नहीं, नंबर्स आर राइट, सॉरी, जहीराबाद नंबर्स आर राइट। 10,000 करोड़ इज द पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड 1,74,000 इज द एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। नेक्स्ट इज पलक्काड केरला, ये 1,710 एकर्स का है। इसमें भी 51,000 एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल है और यहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट्स पे बेस्ड है, रबर बेस्ड प्रोडक्ट्स बनेंगे, मशीनरी इक्विपमेंट, फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट्स, साथ ही साथ हाईटेक इंडस्ट्री भी यहाँ पे डेवलप होने का पूरा स्कोप है। और जैसा आपने देखा इन सब प्रोजेक्ट्स में, चाहे आप कोई भी प्रोजेक्ट इसमें देखो, सभी में कनेक्टिविटी पे बहुत फोकस दिया हुआ है। सब जगह आप देखोगे रेल, रोड, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, ये जो कनेक्टिविटी वाला बॉक्स अगर आप देखोगे हर एक प्रोजेक्ट का, हर प्रोजेक्ट में कनेक्टिविटी पे बहुत फोकस दिया गया है। मैंने आपके सामने रखे 11 प्रोजेक्ट्स, टोटल 12 सैंक्शन हुए, अप्रूव हुए, एक बिकॉज ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। ये जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हुआ है, उस सब के कुछ पिक्चर्स, कुछ डेटा आपके पास है। और जैसे एक, अगर सिर्फ एक सिंगल एग्जांपल लें, ऑरिक, ये वाला आप सेकंड ये वाला कॉलम देखिए, जिसमें
केवल अब तक 2313 एकर्स लैंड अलॉट हुई है, लेकिन ऑलरेडी 42,000 एम्प्लॉयमेंट इसमें जनरेट हो चुका है. सो कहने का मतलब, दिस इज़ अ सक्सेसफुल वे ऑफ डेवलपिंग द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा 10 वर्षों में एक फ्यूचर के लिए बेस बनाने का विजन रखा है कि विकसित भारत बनाने के लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी और आज 2 गुना 3 गुना मेहनत करनी पड़ेगी. जैसा लाल किले से कहा था प्रधानमंत्री जी ने, थर्ड टर्म में 3 गुना मेहनत करेंगे. तो ये सब उसी फाउंडेशन, उसी थॉट प्रोसेस, उसी वे ऑफ थिंकिंग के रिजल्ट्स हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज का प्रोजेक्ट था. नाउ आई विल कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द कैबिनेट अप्रूवल्स. आज रेलवे के 3 बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, इसमें पहला प्रोजेक्ट है जमशेदपुर पुरुलिया आसनसोल. आप देखते हैं जमशेदपुर और आसनसोल गोइंग वाया पुरुलिया, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है. किस तरह से कि हावड़ा मुंबई और हावड़ा दिल्ली, दिल्ली हावड़ा और मुंबई हावड़ा, ये दोनों कॉरिडोर्स को जोड़ने वाला ये कॉरिडोर है बीच में. ये हाईली इम्पॉर्टेंट और मतलब कंप्लीट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ये जो अपना इधर झारखंड और उसके नीचे उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इनको कनेक्ट करने वाला पूरा का पूरा ये कॉरिडोर है. तो यहाँ के लिए थर्ड लाइन, जिस क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लाइन फुली यूटिलाइज्ड है ऑलरेडी, तो यहाँ के लिए थर्ड लाइन प्रोजेक्ट आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है. और अगर स्केच फॉर्म में देखें तो ये ऐसा है, 121 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है ये और 2170 करोड़ रुपीज़ का इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा. जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि पूर्वोदय से देश का उदय होगा, ये उस विजन के अनुरूप है. और कंप्लीट दुर्गापुर, बर्नपुर, आसनसोल, इसमें जो स्टील इंडस्ट्री है, यहाँ पे जो बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं और जमशेदपुर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, इन दोनों को कनेक्ट करने से लोगों का मूवमेंट भी, पैसेंजर मूवमेंट भी बढ़ेगा और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, मशीन है, उसका मूवमेंट भी स्मूथ होगा. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.